दोस्तों, क्या च्युइंगम को सुअर की चमड़ी से बनाया जाता है और नोट कागज के नहीं होते? जी हाँ, ये सच है। और क्या आपको पता है, हमारे इंडियन रुपीस डॉलर को पीछे छोड़ने ही वाले हैं। और आखिर कैदियों के कपड़े अक्सर सफेद कलर के ही क्यों होते हैं, और कैसे कॉकरोच मरने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रहते हैं? और आखिर फलों पर ये स्टिकर क्यों लगे होते हैं? ATM की पिन पर सिर्फ 4 डिजिट ही क्यों होते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को देखो, एंड तक देखो और बाकियों से ज्यादा स्मार्ट बनो। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नोट आखिर किस चीज से बने होते हैं, तो आपकी तरह 90% लोगों का ये जवाब होगा कि नोट कागज से बनते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नोट कागज से नहीं बल्कि कापस से बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि कापस कागज के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत होता है एंड इससे बने हुए नोट जल्दी फटते नहीं है। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? यस या नो करके हमें कमेंट में जरूर बताइए। वैसे क्या आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी डॉलर को भी रिप्लेस करने वाली है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसके लिए अभी तक 18 से भी ज्यादा कंट्रीज ने INR को अपनी करेंसी के तौर पर यूज करने की मंजूरी दे दी है। मतलब कि जिस तरह से फिलहाल डॉलर को हर एक कंट्री की करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है, वैसे कुछ समय बाद इंडिया की करेंसी से किया जाएगा। By the way, इसके लिए अभी कुछ साल लग सकते हैं, बट ऐसा होना पॉसिबल है। आपने कभी ना कभी फलों के ऊपर इस तरीके के स्टिकर को देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फलों पर स्टिकर चिपकाने के पीछे का ऐसा क्या पर्पस या रीजन हो सकता है? दरअसल दोस्तों, अगर फलों पर लगे स्टिकर का कोड 5 डिजिट का है एंड 9 से स्टार्ट होता है, तो आपका फ्रूट हेल्दी एंड नेचुरल है। लेकिन अगर स्टिकर का कोड 8 से स्टार्ट होता है, तो आपका फ्रूट आधा नेचुरल और आधा मेडिसिन यानी दवाओं से पकाया गया है। अगर आपके फ्रूट पर 4 डिजिट का कोड है और 4 से स्टार्ट होता है, तो मान लीजिए कि ये फल केमिकल और कीटनाशक के सपोर्ट से उगाया गया है एंड ये आपके लिए हार्मफुल है। आपने इन कैदियों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन कैदियों की ड्रेस व्हाइट कलर की ही क्यों होती है और इसका पर्पस क्या है? तो दोस्तों, इसका एक पर्पस ये है कि इंडिया में गर्मी ज्यादा होती है और इसीलिए व्हाइट कलर के ड्रेस में कैदियों को गर्मी का एहसास कम होता है। एंड इसका एक पर्पस ये भी है कि अगर बाय चांस कोई कैदी जेल से भाग जाए, तो जेल की डिफरेंट ड्रेसेस होने के वजह से उन्हें पकड़ने में हेल्प हो जाए। आप कॉकरोच से रिलेटिव इस फैक्ट को नहीं जानते होंगे। अगर कॉकरोच के सर को उसके शरीर से काट दिया जाए, तो इसके बावजूद भी वो पूरे 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट या कीड़ा है जो अपने मुंह के बजाय अपने बॉडी में मौजूद स्टोमेटा की हेल्प से सांस ले सकता है, इसीलिए कॉकरोच पूरे 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। हालांकि पानी ना मिलने के कारण वो 1 हफ्ते बाद मर जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ इंसानों से ज्यादा कुत्ते रहते हैं। दरअसल पेरिस एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या से ज्यादा वहाँ के कुत्ते हैं, और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। वैसे मुझे पर्सनली इंसानों से ज्यादा कुत्ते पसंद है। अब जब कभी भी दुकान से पानी की बोतल को खरीदते हो, तो अक्सर इन बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट को चेक करते ही होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि जिस बोतल में पानी भरा होता है उस बोतल की होती है? क्या आपने कभी पेंसिल के कचरे से रबर बनाई है? दोस्तों, स्कूल टाइम में ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर हम दूध में पेंसिल के कचरे को डालकर उसे मिक्स करके जमा देंगे, तो रबर बनके रेडी हो जाएगी। हालांकि ये मिथ अमेरिका में आज भी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहां के बच्चे अक्सर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते रहते हैं। बट इस मिथ की शुरुआत कहाँ से हुई, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जिसके पेट में जब दो बच्चे होते हैं, तो दोनों आपस में लड़ते हैं और जो जीतता है वही पैदा होता है? तो मतलब कि पैदा होने के लिए भी लड़ना पड़ता है। दरअसल इस मछली का नाम सैंड टाइगर शार्क है, जो कि शार्क की एक प्रजाति है। क्या आपको पता है कि जिस ATM पिन कोड को आप आज यूज करते हो, वो पहले 6 डिजिट का हुआ करता था? अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह रही होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह थोड़ी पर्सनल है। दरअसल जब ATM का आविष्कार किया गया था, तब ये कोड 6 डिजिट का हुआ करता था। लेकिन जिसने इसका आविष्कार किया, उसकी वाइफ इस पिन को अक्सर भूल जाती थी, इसीलिए ATM के आविष्कारक ने इस डिजिट को घटाकर 4 डिजिट कर दिया, तो हुआ ना मामला पर्सनल। दोस्तों, इंग्लैंड में एक ऐसा गार्डन है जिसमें अगर कोई एक बार चला गया
तो उसके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। दरअसल इस बगीचे का नाम है एल्विन पिसिन गार्डन, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन है। इनफैक्ट इसमें 700 से भी ज्यादा जहरीले पौधे हैं, जो किसी भी इंसान के लिए इतने खतरनाक है कि इन पौधों की स्मेल करने से भी किसी की जान जा सकती है। बता दे कि अब तक इस गार्डन ने 100 से भी ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से जान ली है। क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां नॉर्मल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा गन्स अवेलेबल होती है? बावजूद इसके यहाँ पर अदर कंट्रीज के कंपेयर में सबसे कम क्राइम होता है, और कहा जाए तो यहाँ पे ना के बराबर क्राइम होता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ जानवरों से बचने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब इंसान रहते हैं जो अपनी ब्लू जीन्स के बर्थडे को भी सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात असल में सच है। बता दे कि 20 मई 1873 में सबसे पहले ब्लू जीन्स को बनाया गया था, एंड इसी के चलते आज भी कुछ लोग 20 मई को ब्लू जीन्स के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अब जब भी किसी मॉल या फिर किसी ऑनलाइन शॉप से सामान खरीदते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि सभी चीजों के प्राइस हमेशा 99, 199 या 999 के फॉर्म में होते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि कंपनीज ऐसा क्यों करती है? दरअसल इस तरह के प्राइस टैग से कंपनियां ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करती है। ये चीज को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इस वजह से ही सेल में अक्सर 99, 499 या 999 जैसे रेट को लिखा हुआ दिखाया जाता है। इस स्ट्रैटेजी में लोगों को कीमत कम लगती है और कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक लायन या शेर की जो एज होती है, उसका अंदाजा उसकी नाक को देख कर भी लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शेर जब छोटा होता है तब उसकी नाक हल्की पिंक होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी नाक ब्लैक होती है, एंड जब लायन अडल्ट या बड़ा हो जाता है तो उसकी नाक डार्क ब्लैक हो जाती है। ये बात कमाल है ना दोस्तों, कि किसी की नाक देखकर आप उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि जो च्युइंगम होती है उसे अक्सर सुअर या किसी एनिमल की स्किन से बनाया जाता है, बट असल में ये सिर्फ एक मिथ है, यानी झूठ है, कि च्युइंगम में किसी भी जानवर की स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ हद तक रबर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, और इसीलिए बच्चों को च्युइंगम निगलने से मना किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। एंड अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।